हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बहुत ही अलग डिफरेंट सर्किल में बात करूंगा। मैंने कहा एक नई नई थीम्स के लिए, आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आई डोंट माइंड, आप जितना अच्छे होंगे उतना अच्छा वर्क करेंगे। अगर मेरे अंदर कमी है तो मुझे बताएं, आपके विचार क्या कहते हैं वो आप बताएं। कमिंग 2021 ये क्या एक्टिवेट करेगा, क्या आपको बताएगा। 2020 तो आपका जा रहा है, कैसी सिचुएशन होगी आपकी ये आप खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। एक ऐसी महामारी ने आप लोगों को होपलेस बना दिया है। बहुत सारी कंडीशंस आपकी चालू तो हुई, अभी 2021 मात्र कितने दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं भाई, आने वाला है। आप लोग नए साल के जश्न में डूबे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे लीगेंड पर्सन के बारे में छोटी मोटी जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत थोड़ी सी जानकारी। अगर इतनी ही जानकारी आप हमारे लीगेंड पर्सन के बारे में आप जानते रहें, वो आपके लिए वेस्ट होगा। मेरा मन आज कुछ अलग ही था तो मैंने कहा आपको अलग दिया जाए। और अगर आपका ऐसी ही एक्टिवेट कंडीशन मुझे मिला, इसके प्रति एक रिएक्शन आपको मुझे मिला, तो मैं आपको पर डे कोई ना कोई एक ऐसे लीगेंड लोगों से मिलवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, और उनके अपने आदर्श, उनके अपने विचार, उसके बारे में बताता रहूंगा। और हमारे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये भी कहता हूं, अगर आदर्श बनना है, एक्टिव होना है, तो आपको रिचार्ज होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंड्स, तो आइए मैं बात करता हूँ ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है? सबसे पहले तो मैंने लिख दिया इंडियन मॉन्क। आप कह सकते हो सर जी आपने इंडियन मॉन्क लिखा है। हाँ, आपके देश में साधु सन्यासी महात्मा जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हो, ये देश हमारी गतिविधियों से, साधु सन्यासियों से भरा हुआ देश है। आज से नहीं, पुरातन युग से, पुरापाषाण काल से, पहले से सनातनी रहा। और ऐसे ही आदर्श व्यक्ति का हमारे इस धरा पर, हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे इस आर्यावर्त में आगमन हुआ, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, मैंने एक लाइन इनके लिए लिखा है, ही वाज एन इंडियन हिंदू मॉन्क। आप पढ़ सकते हैं हमारी लाइन को। ये पहले भारतीय समुदाय के साध्वी यानी साधु व्यक्ति जिन्हें आप योग, साधना, भक्ति इन चीजों से प्राप्त करते हैं, ये हमारे पहले साधु व्यक्ति थे। क्या थे? आजकल के जो इवेंट्स हैं, आजकल के जो साधु हैं, उनसे ये डिफर थे। आप स्वामी कहते हैं इनको, हम स्वामी कहने के आकलन से स्वामी कौन हो सकता है, ये स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। और दूसरी स्थिति मैंने इनकी लिखी है, इनका जन्म कब हुआ था। मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए एक्साइटेड हूं, इसलिए आपको मोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि इनका जन्मदिवस और मेरा अपना जन्मदिवस एक ही दिवस का है, लेकिन बस अंतराल इतना है कि अगर मैं इनके पद चिन्हों पर, इनके मार्ग के, इनके रास्तों पर थोड़ा चल जाऊं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का बात होगी। मुझे सक्सेस होने में, इनके आदर्शों का पालन करने में, मुझे अपने जीवन की एक महत्वाकांक्षा मिलेगी। मैं इसलिए आपको इस वीडियो में ये जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि ये 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ, मेरा जन्म 12 जनवरी 1995 में हुआ। आप ये कह सकते हैं सर, कहीं ना कहीं आदर्श होना एक बड़ी बात नहीं होती है, किसी के पर्सनालिटी, किसी के व्यक्तित्व को गेन करना ये बड़ी बात नहीं होती है, उनके फॉलोअर बनना, उनके मार्ग के, उनके रास्ते को चलना ये बड़ी बात होती है। इनका जन्म स्थान कोलकाता। आप जानते हैं ये हमारे पश्चिम बंगाल, हमारे पूर्व भारत के पूर्वी भाग में स्थित, हमारे एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था,
ये पूर्वी भाग में स्थित हमारा राज्य है जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, और राजधानी कोलकाता। हमारे स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने इनके गुरु का नाम भी लिख दिया। अगर गुरु नहीं है तो आप किसी भी एक्टिव कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसलिए जीवन में गुरु का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में गुरु का अभ्यास नहीं होगा, गुरु नहीं होंगे, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण, और इन्हीं के गुरु के आदर्श को स्थापित करने के लिए, अपने गुरु के परिचायक भूमिका को स्थापित करने के लिए रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना भी हमारे स्वामी जी ने अपने गुरु के आदेशानुसार किया था। मैं आपको बताऊं, ये कहने में बड़ा दुख होता है कि लेजेंड पर्सन, वो एक कहावत गांव देहात में आप सुनते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर जगत और तत्व मीमांसा के जीवन से कहीं ना कहीं सारे निर्विकार से अलग हो जाता है, जो साधु हो जाता है, जो योग हो जाता है, उसे ईश्वर भी जल्दी अपने पास बुला लेता है। कहीं ना कहीं ये समय हमारे स्वामी जी का जो देहावसान हुआ, ये बहुत ही कम समय में हुआ, लेकिन वो आदर्श जो उन्होंने जीवन में अपने कम समय में स्थापित किया, वो हमें सीखना है, उस पर आगे बढ़ना है। मात्र 4 जुलाई 1902, 39 साल की बहुत ही कम अवस्था में हमारे स्वामी जी का देहावसान हुआ। हम उनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। मेरा आज का कहने का यही भूमिका था, मेरा आज वीडियो डालने का यही मोटिव था कि कहीं ना कहीं आप इनके जन्मदिवस को युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इन्होंने यूथ को संदेश दिया है। मेरे वीडियोज को हमारे बच्चे, हमारे युवा देखेंगे। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि आप अपने आप को इन्हीं की तरह एक्टिव करें। मैंने इनके थॉट से क्विट्स भी लिखा है, आप देख सकते हैं। लिखा है, एराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप। एराइज, उठो, अवेक, जागो और मत रुको, एंड डू नॉट स्टॉप। उठो, जागो और मत रुको, कब तक? अंटिल मतलब होता है जब तक, गोल यानी लक्ष्य इज रीच्ड, जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप मत रुको। यानी कहने का मतलब मैं हिंदी में भी इसको बता देता हूं, उठो जागो और जब तक ना रुको, जब तक क्या? लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी लक्ष्य के लिए हमें जीवन में सतत प्रयास करना चाहिए। तो हमारे बच्चों, मैं आज स्वामी जी के एक थॉट से लेकर के, और बहुत सारे इनके इवेंट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं। इन्होंने कहा भी था कि सफलता वो होती है जो आपको जीवन में अच्छे कर्म, अच्छे अन्वेषण, अच्छे संचार, अच्छे व्यवहार का ज्ञान दिलाती है। सफलता वो नहीं होती है जो आपको एक सांत्वना देती है। इसलिए मेरा आपसे यही विनती है, मेरा आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि हमारे रास्ते पर, हमारे आदर्श व्यक्तियों के रास्ते पर चलने का एक मार्ग प्रशस्त करें, और आप अपने जीवन को बहुत ही आगे ले जाने के लिए कोशिश करें। और मैं कोशिश यह करता रहूंगा, ऐसे ही आपको कई ऐसे लोग से मैं मिलवाता रहूंगा। मैं स्वामी जी के आदर्श पग चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। जन्मदिवस एक साथ होने से कोई मतलब नहीं बनता है, डेट एक पड़ जाने से कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन उनके जन्मदिवस से मैं अपने आप को, अगर मैं उनके एक बिंदु को मान लूँ, उनके एक चीजों को मैं समझ जाऊं, तो मैं अपने आप के लिए धन्य हो जाऊंगा। मैं आपसे भी यही कोशिश करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हमारे स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों का पालन करें। और एक जानकारी मैं देना भूल गया, हमारे पहले ऐसे साधु थे जो अमेरिकन साहित्य में, अमेरिका के वाशिंगटन सम्मेलन, सॉरी शिकागो सम्मेलन में जाकर के 1892 में अपने भारतीय साहित्य का, अपने हिंदुत्व का परचम फहराया था। ऐसे लोगों से हम आपसे मिलवाते रहेंगे। सो वेल, थैंक्स।